बात को आपके, लेकर के सुन लीजिए बताता हूं। सर, आपके राज्य के मुख्यमंत्री, सुन लीजिए सर, आपके राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य में क्या हो जाए उन्हें पता ही नहीं रहता है। लाठीचार्ज हो जाए, अच्छा लाठीचार्ज हुआ था क्या, गोली चल अरे जाए, ऐसा हमारा कुछ हुआ, विरोध रुकिए करता पता है करते हैं। मुख्यमंत्री आवास तो में आपके लोग। मुख्यमंत्री को राज्य में क्या हो रहा है यही नहीं पता रहता है। आप गिरिराज सिंह के डिपार्टमेंट पर चले अरे गए। सवाल था कि ये इस्लामीकरण की साजिश, तो इस पर बौखलाहट की अरे बात क्या थी, क्यों थी? पांडे क्योंकि एक जी, खास वर्ग आपका अरे वोट बैंक पांडे इसलिए। जी, आपको भी, अरे पांडे जी आप भी बता दीजिए कि गिरिराज सिंह ने रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में कौन सा बयान दिया है आज तक, बता दीजिए। हिंदू मुसलमान में तो 75 बयान है, नवलकिशोर मैं आपको यादव बता जी, सकता अरे हूँ। मैं नहीं पूछ तो रहा हूँ, भाजपा वोट मैं नहीं पूछ देगा रहा हूँ। पाकिस्तान अरे में सुनिए ना, जाएगा। गिरिराज सिंह के अरे डिपार्टमेंट पर तिवारी चर्चा जी, नहीं हो रही है। नवलकिशोर यादव जी, सुन लीजिए ना पहले, सुन लीजिए गिरिराज ना सिंह पहले, के डिपार्टमेंट पर चर्चा नहीं हो रही है। अरे हो मैंने यादव उसके जी, संदर्भ में एक सवाल कर दिया था। यादव जी सुनिए, आप पर सवाल उठ हो जाए, रही है ना, नीतीश मुझे कुमार पर सवाल उठ मेरा जाए, मेरा तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। अरे तिवारी जी से, तिवारी जी से करते पूछिए हैं ना कि वो कौन संत है जो कहता है कि सर कट के लाओ तो 10 लाख आपने देंगे। मुहर्रम उस के संत पूजा, कहां सा संत है बताइए, जो संत कहता है कि 10 लाख देंगे, इतना लाख देंगे सर काट के लाओ, अरे वो कौन आपका सा संत है विधायक तिवारी जी? कहां कौन सा प्रयोगशाला बिल्कुल में सही ट्रेनिंग कहता देते है, हैं? सही अरे कहता है, तिवारी जी सही कौन कहता है। कहता है? अरे बताइए, जो ये तो राम से क्रिमिनल का तुम्हारा भाषा सर, है, ये तो अपराधी का भाषा है, जो राम से, ये तो सुनो अपराधी का सुनो भाषा है। यादव जी, राम के ठेकेदार है क्या? सुनिए, राम के ठेकेदार हो क्या? अरे पंडित जी, मैं आगे राम बढ़ता के हूँ, मैं फरहान के पास जा रहा हूँ, रुक जाइए रुक जाइए। अरे नहीं नहीं पर्सनल मत होइए, सबकी आवाज डाउन है, पीसीआर सबकी आवाज डाउन है, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। नवल किशोर यादव जी, आपकी सुनिए ना सर, आपकी सरकार में न जाने कितने मंत्री, आप देखिए ना, 3-4 मंत्री ऐसे ही आपको याद होंगे, रामचरितमानस पर, हिंदू देवी देवताओं पर, माता लक्ष्मी पर, पता नहीं क्या क्या बोल गए। तो मत उधेड़ा करिए सर, आप लोग नहीं जवाब दे पाएंगे कि हिंदू धर्म पर किस तरीके से हमले हुए हैं, किस तरीके से बयान दिए गए हैं। मत उधर जाया करिए, फंस जाते हैं आप लोग। मोहम्मद फरहान, सवाल ये है, मैं थोड़ा सा लेट से आपके पास आ रहा हूं, माफी के साथ। सवाल ये है कि अगर हलाल शब्द का इस्तेमाल शरीयत में हुआ, अगर ये सिर्फ इस्लाम के हिसाब से है, तो फिर दूसरे धर्म के लोग इसे क्यों माने भाई, जो लोग कह रहे हैं। और चूंकि ये देश संविधान से चलता है, तो शरीयत वाली बातें लागू टू ऑल क्यों की जाए? राकेश भाई, अभी अजान हो रही, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, इसके बाद फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, तब तक आप चाहें तो किसी और से पूछ सकते हैं। राकेश जी, मनीष, नहीं ठीक है फरहान भाई, मैं बहुत देर से आपके पास आया, इसके लिए माफी भी है। आप बिल्कुल, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, तब तक शो भी समाप्त हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। मनीष शुक्ला जी जो बात कह रहे थे, नवल किशोर यादव उनकी बात का जवाब। देखिए राकेश जी, मैं इसी विषय पर रहना चाहता हूं। एक तो ये जो एजेंसीज एनजीओ सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीकी है कि किसी खाद्य पदार्थ के बारे में वो जांच कर सके? भारत सरकार के पास तो एक एजेंसी है, FSSAI, AI, ISI, जो इस तरह की चीजों पर ध्यान रखता है। और दूसरी बात, ये जो उससे पैसे धनार्जन हो रहा है, जो अवैध वसूली हो रही है, उसका रूप क्या है, उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, और कोई भी संस्था एनजीओ इस तरह से कंपनियों पर मोहर लगाकर पैसा कैसे वसूल सकती, क्या ये किसी प्राइवेट कंपनी या थर्ड पार्टी को अधिकार है? तो ये तमाम शिकायतें हमारे पास उत्तर प्रदेश में थी, इसके लिए कार्रवाई की गई है। और देखिए, जो लोग चीख चिल्ला रहे हैं, चाहे जो कह रहे हैं, उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन जो होना चाहिए इस पर किसी ने बात नहीं कही अभी तक आपके शो पर, कि हलाल मोहर लगनी क्यों चाहिए? आखिर 85% जनता इस हलाल मोहर वाले भोजन को क्यों करे, क्यों बात हो, इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा। कोई कह रहा चंदा क्यों है, क्यों गिरिराज जी का विवाह क्या है, ठीक बात है, लेकिन जो बात अमित जमाई ने कही कि ये काम अगर जरूरी था, ये फैसला जरूरी था, तो और पहले हो जाना चाहिए था, ये जांच और पहले हो जानी सवाल चाहिए कौन थी।